क्या आप जानना चाहते हैं कि अगर आपके नंबर 400 से 500 के बीच में है तो क्या कहीं आपको कॉलेज मिल सकता भी है या नहीं, तो आप एकदम सही जगह आए हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म नीट शास्त्र पे। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आपके नंबर 400 से 500 के बीच में है और आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहते हैं तो कहां कहां पॉसिबिलिटीज है कि आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। तो बच्चों आज हम लोग बात करेंगे 85% स्टेट कोटे की, राज्य की 85% सीटें जो कि स्टेट डोमेसाइल होल्ड करने वाले बच्चों के लिए रिजर्व होती है। यानी कि अगर मैं बात करूं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के मेडिकल कॉलेजेस की 85% जो सीट होगी वो रिजर्व होती है उन बच्चों के लिए जो उत्तराखंड की डोमेसाइल होल्ड करते हैं, जिनके पास उत्तराखंड की डोमेसाइल होती है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन से कॉलेज हैं, ऐसे कौन से स्टेट्स हैं जहां अगर आपके नंबर 400 नंबर से कम, 400 और 500 के बीच में आपके नंबर है इस नीट 2020 में, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। देखिए सबसे पहली चीज मैं बता रहा हूं, ये मैंने आपके सामने जो डेटा लिखा है ये डेटा बेस्ड है 2019-2018 के, और इस साल जितने हमारे बच्चों ने हमें व्हाट्सएप करके, कॉल करके और हमारे वीडियो पे कमेंट करके जितने बच्चों ने हमारे मार्क्स बताया है उनके बेसिस पे एनालाइज करके ये डाटा तैयार किया गया है। ये जो डाटा मैं आपके सामने लिखा हूं ये राउंड टू ऑफ काउंसलिंग, यानी कि जो काउंसलिंग होती है 85% की उसकी राउंड टू काउंसलिंग तक की मैं ये बता रहा हूं। यानी कि हो सकता है कि इतने नंबर पे आपको राउंड वन में कॉलेज ना मिले, लेकिन राउंड टू खत्म होते होते इतने मार्क्स पे आपको कॉलेज मिलना तय है, ये बात मैं आपको 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूं। देखिए राउंड वन जो होता है तो उसमें शुरुआत के रैंक वालों को मिलता है और जो बच्चे कुछ थोड़े कम रैंक वाले होते हैं उनको राउंड टू में कॉलेज मिलता है। तो मैं ये जो आपको आज डाटा दे रहा हूं ये मॉपअप राउंड को हटा के दे रहा हूं, यानी कि जो नॉर्मल काउंसलिंग होगी पहली और दूसरे राउंड की, तो पहला और दूसरा राउंड मिला के जो टोटल जो बच्चे सेलेक्ट होंगे उनके नंबर इसी में रहेंगे। इसके ऊपर अगर आपके नंबर हैं तो आप राउंड टू खत्म होते होते मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाएंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप कहां के हैं अगर रहने वाले तो आपको मेडिकल कॉलेज मिल सकता है अगर आपके नंबर 400 से 500 के बीच में। सबसे पहली बात करते हैं दोस्तों अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अंडमान एंड निकोबार भारत का ही एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, जो बे ऑफ बंगाल में पाया जाता है। अगर आप यहां के छात्र हैं और आपके 332 मार्क्स के ऊपर आ रहे हैं तो इस साल आप मेडिकल कॉलेज में MBBS करने जा रहे हैं। अगली बात करते हैं असम स्टेट की, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया और ईस्टर्न इंडिया को कनेक्ट करने वाला जो स्टेट है, यहां के बच्चे जो 490 के प्लस पा रहे हैं उनका इस साल मेडिकल कॉलेज में सीट मिलनी तय है। और एक और मैं बहुत खास चीज बता देता हूं बच्चों, ये जो मैं सारे कट ऑफ लिखा है वो मैंने UR कैटेगरी के लिए लिखा। UR का मतलब होता है अनरिजर्व्ड कैटेगरी, जनरल कैटेगरी, मतलब अगर आप कैटेगरी वाइज हैं, अगर आप कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, आप ओबीसी के, तो इससे 20 मार्क्स और घटा लीजिए आपके आपके स्टेट के हिसाब से, जितना वहां पे जो एथनिक ग्रुप ज्यादा उसके हिसाब से ये तय होता है कि कहां पे कितना कट ऑफ जाएगा। जैसे बहुत सारे स्टेट होते हैं वहां पे शेड्यूल कास्ट का जो कट ऑफ होता है वो शेड्यूल ट्राइब के कट ऑफ से कम जाता है। इसका रीजन ये होता है कि उन स्टेट्स में शेड्यूल ट्राइब्स की जनसंख्या ज्यादा होती है और शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन जो होता है वो थोड़ा कम होता है, तो इसकी वजह से, ठीक है। आगे बात करते हैं गोवा स्टेट की, महाराष्ट्र से सटा हुआ छोटा सा राज्य भारत का गोवा। अगर आप गोवा के स्टूडेंट हैं तो आपके 410 मार्क्स पे आपको MBBS की सीट मिलने वाली है बच्चों। 85% स्टेट कोटे की मैं बात कर रहा हूं, बार बार मैं इस चीज को रिपीट कर रहा हूं। अगली बात करते हैं हिमाचल प्रदेश, द लैंड ऑफ हिमालय, जो हिमाचल प्रदेश राज्य है। बहुत बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत बच्चों ने कॉल किया कि हिमाचल प्रदेश में कितने मार्क्स पे मिल जाएगा, तो हिमाचल प्रदेश में अनरिजर्व कैटेगरी को, जनरल कैटेगरी को 480 मार्क्स पे आपको कॉलेज मिलना तय है। अगर आप कैटेगरी हैं तो इससे कम ही मार्क्स आप पे आपको कॉलेज मिल जाएगा। अगली
की बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर जे एंड के, वहां पे कट ऑफ जाने की पॉसिबिलिटी है 464 भारत का केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर। अब यहां पे थोड़ी सी असमंजस की स्थिति है कि जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का जो सीटों का बंटवारा होगा वो कैसा होगा, क्या लद्दाख का बच्चा जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट डोमिसाइल में एडमिशन ले सकता है कि नहीं, इस पे अभी सारी चीजें क्लियर नहीं है। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख से रिलेटेड जितने लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं, जैसे इस पे हमें कुछ अपडेट मिलती है हम जरूर आपके लिए लेके आएंगे, क्योंकि अभी जो पिछले साल बिल पास हुआ है उसमें जम्मू एंड कश्मीर को अलग स्टेट सॉरी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। पहले लद्दाख का कोई भी जेएनके में एडमिशन ले सकता था, पर अभी स्थिति क्लियर नहीं है कि लद्दाख का बच्चा जम्मू एंड कश्मीर के 85% कोटे में एडमिशन ले सकता है या नहीं ले सकता है। ठीक है, बात करते हैं कर्नाटका की। तो बच्चों कर्नाटका का जो कट ऑफ जाएगा, लास्ट कट ऑफ जो जाएगा जनरल कैटेगरी के लिए, वो होगा 480 मार्क। बात करते हैं एक और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट मणिपुर के बारे में। तो मणिपुर के जितने भी बच्चे 472 के ऊपर मार्क्स लाए हैं, आप इस साल नीट में सेलेक्ट होने जा रहे हैं, आप एमबीबीएस करने जा रहे हैं। बात करते हैं एक और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की, मिजोरम की बच्चों। तो मिजोरम में मात्र 288 नंबर के ऊपर लाने वाले बच्चे जो हैं वो एमबीबीएस करने जा रहे हैं। अगली बात करते हैं पॉन्डिचेरी, ये भी एक यूनियन टेरिटरी है, भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, तमिलनाडु राज्य में, तमिलनाडु राज्य से सटा हुआ। ठीक है, तो यहां पे 401 मार्क्स के ऊपर नंबर लाने वाले बच्चे जनरल कैटेगरी में यूआर कैटेगरी में एमबीबीएस करने वाले हैं। बात करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट नेपाल से सटा हुआ राज्य सिक्किम, यहां पे जो बच्चे 300 मार्क के ऊपर लाए हैं उनको एमबीबीएस कॉलेज मिलना फिक्स है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलना फिक्स है। एक और बात करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की, त्रिपुरा की। तो त्रिपुरा में अगर आपके 560 मार्क्स है तो आपके मेडिकल कॉलेज आपको मिलना तय है। बात करते हैं दोस्तों वेस्ट बंगाल की, वेस्ट बंगाल का कट ऑफ इस बार 500 के ऊपर जाने की पूरी संभावना है। बहुत बच्चे हमारे वेस्ट बंगाल के हमसे जुड़े हुए हैं, मैं उनको बता देता हूं कि वेस्ट बंगाल का जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ होगा, मैं मॉपअप राउंड की बात नहीं करूं, मैं कट ऑफ जो होगा वो 510 जाने की पॉसिबिलिटी है। अगर आपके नंबर 510 तक हैं या उससे ऊपर हैं तब भी आपको कॉलेज मिल सकता है। पर बच्चे वो भी ना घबराएं जो 500 से 510 के बीच में है, आपकी भी 90% पॉसिबिलिटी है कि आप वेस्ट बंगाल में मेडिकल कॉलेज, मुर्शिदाबाद जैसे जो नीचे के कॉलेज है, ये सब आपको मिलने की पूरी पॉसिबिलिटीज है। बात करते हैं देवभूमि उत्तराखंड की, उत्तराखंड के बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि यूके में कट ऑफ क्या जाएगा, तो मैं आपको बता देता हूं उत्तराखंड में इस साल का कट ऑफ 520 नंबर जाने की पॉसिबिलिटी है। अगर आपके 520 मार्क्स हैं, आप यूआर कैटेगरी के हैं, तो आपका सिलेक्शन उत्तराखंड में तय है। तो बच्चों ये मैंने आप लोगों को आज बताया कि ऐसे कौन कौन सी जगह है, कौन कौन से स्टेट है जहां अगर आपके मार्क्स 400 और 500 के बीच में है तो आपको मेडिकल कॉलेज मिलना तय है। और उसमें से कुछ स्टेट ऐसे हैं जो 300 के भी नीचे हैं, ये 300 से 400 के बीच में, ये 200 से 300 के बीच में। तो अगर आप इन स्टेट्स के लोग हैं, आप इन स्टेट्स की डोमिसाइल होल्ड करते हैं, तो आप लोगों को इतने मार्क्स के ऊपर मेडिकल कॉलेज मिलना तय है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब फिर से मैं आपको बताऊंगा कि मॉपअप राउंड में कितने तक में यहां के बच्चों को कॉलेज मिल जाएगा, अगली वीडियो में बताऊंगा। लेकिन ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।